अपने आप अकाउंट का वो पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हो तो उस समय आपने जीमेल के द्वारा एक कोड भेजा जाता है उसके। हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपना जानना चाहते हो कि अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी कौन सी जीमेल आईडी और अपना कौन सा मोबाइल नंबर लॉगिन है? क्योंकि जब हम अकाउंट बनाते हैं उस टाइम अपने जीमेल आईडी और फोन नंबर दोनों चीज़ की जरूरत पड़ती है। और अगर आपने बहुत पुराना अकाउंट बना रखा है पहले और अब आपको नहीं पता कि हमने जो अकाउंट बना था उस टाइम कौन सी जीमेल आईडी अपने मोबाइल उस अकाउंट पर लॉगिन की थी। वैसे दोस्तों नॉर्मल तो कुछ काम पड़ता नहीं है अपनी जीमेल आईडी और फोन नंबर का अपने इस अकाउंट पर, और अगर फिर भी किसी कारणवश अपने जीमेल और अपने फोन नंबर की देखने की जरूरत पड़ी तो आप किस जगह से देख सकते हो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि हो सकता है दोस्तों अगर आप अपने अकाउंट का वो पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हो तो उस समय आपने जीमेल के द्वारा एक कोड भेजा जाता है उसके द्वारा अपना पासवर्ड फॉरगेट होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि उस समय अपनी जीमेल आईडी कौन सी है जिस पर अपना वो कोड जा रहा है बार बार, तो अगर वो चीज़ देखना चाहते हो तो वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपना इंस्टाग्राम को ओपन कर लेंगे। इंस्टाग्राम ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर चल जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखेंगे, ऊपर 3 लाइन दिखेगी, इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग है ना प्राइवेसी वाला ऑप्शन में चले जाना है। जैसे यहाँ से जाओगे यहाँ पर अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे एक और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा अपने सामने। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल, तो सिंपल सा इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखते हो मेरे कॉन्टैक्ट इन्फो में यहाँ पर मेरी जीमेल आईडी दे रखी है। मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ऐड नहीं कर रखा है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। तो वो चीज़ आप यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हो उस पर भी एक बहुत जल्द कर एक वीडियो आने वाली है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज़ देख पता चल जाती है यहाँ पर कि यहाँ पर अपना कौन सा जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह जो भी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर। अब वहाँ पर यह चीज़ पता करने के बाद आपने जीमेल आईडी कौन सी वो चीज़ पता करने के बाद अगर आप अपना पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हो तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी, जो आई बटन में लिंक आ रही है वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। हाँ दोस्तों, पर ये छोटी सी वीडियो थी आज की। उम्मीद है मेरे द्वारा समझाई की चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और अगर और भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो मेरे, आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है और आगे भी ऐसी वीडियो होने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ही नॉलेजबल या यूजफुल हो सकती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी फैमिली में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मिलते हैं ना कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।